हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरी मधुमालती की वाइन है और मैंने इसको खोला हुआ है क्योंकि मुझे इसे रिपोर्ट करना है अभी। तो ये देखिए काफी लंबी है और पहले मैंने इसको बांधा हुआ था ऊपर, लेकिन मैंने इसे उतार लिया है क्योंकि रिपोर्ट करना है। तो फ्रेंड्स मेरी ये जो मधुमालती की वाइन है, इस पर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां आती हैं लेकिन गिर जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप ये वीडियो पूरी देखें, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, इस पर कलियां बन रही हैं और गिर रही हैं? तो इसका मेन रीजन है इसका ये पॉट। अब पॉट तो सही है, इसमें पॉट में क्या हुआ आप बोलेंगे। तो फ्रेंड्स ये जब मैंने इसको लिया था तभी मैंने इसको इसमें रिपोर्ट किया था, उसके बाद मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है। और ये मेरा जो प्लांट है पूरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है। और जब प्लांट्स रूट बाउंड हो जाते हैं तो उनमें पानी भी नहीं रुकता है, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो एकदम से ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस वजह से ये ज्यादातर मुरझाई सी रहती है। तो आज मैं इसको रिपोर्ट करने जा रही हूँ। मैं बताऊंगी आपको कि कौन सी, किस तरीके से मैं सॉइल इसके लिए रेडी करूंगी और एक ऐसी सॉइल रेडी करेंगे जो काफी दिनों तक आपको इसमें कॉम्पोस्ट या फर्टिलाइजर कुछ नहीं डालना पड़े। और अभी सितंबर का सीजन है तो ये बिल्कुल बेस्ट सीजन होता है फ्रेंड्स किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का या जो प्लांट है उसकी रूट प्रूनिंग करने का, क्योंकि अभी अक्टूबर तक इसका ग्रोइंग पीरियड है, उसके बाद तो फिर इसका डोरमेंसी पीरियड आ जाएगा। तो तब तक हमारी जो ये वाइन है अच्छे से सेटल हो जाएगी और होपफुली इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले इस पॉट के अंदर से हमें इसे निकालना होगा और फिर मैं इसको दूंगी एक बड़ा पॉट जो इसके साथ में रखा हुआ है, एक ड्रम है जो मैंने कट किया है, क्योंकि ये वाइन जो होती है काफी जल्दी से बढ़ती है और इसको बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसको नीचे ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अगर पॉट है तो आप कोशिश करें इसको 18 से 20 या 21 इंच का पॉट प्रोवाइड करें। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं इससे बाहर। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी बुरी तरीके से रूट बाउंड हो गया है ये, और यही वजह है इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इसकी ग्रोथ भी रुक सी गई है। तो थोड़ा थोड़ा मैं इसकी रूट्स को हटाऊंगी, नीचे से खोलूंगी, बहुत ही टाइट के रूट बाउंड हो गया है तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा खोलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स सॉइल रेडी हो गई है इसकी, इसमें सॉइल सैंड और कंपोस्ट है इक्वल पार्ट्स में। तो बस इसको फिल करना है और फिर अपना प्लांट उसमें लगा देना है। फ्रेंड्स इसमें मैं डालूंगी एक मुट्ठी के करीब ये बोन मिल, ये देखिए नीचे वाले पोर्शन में मैंने नहीं डाला है, ऊपर वाले में मैं डाल रही हूँ जो मिट्टी फिल करूंगी ऊपर से। तो इसे मिक्स कर लेती हूँ पहले और फिर करती हूँ अपने पॉट में फिल। मैंने एक बकेट में पानी लिया है कम से कम भी 2 लीटर के करीब और फिर मैं डालूंगी इसमें ये एप्सम सॉल्ट 2 चम्मच। एप्सम सॉल्ट डालने से फ्रेंड्स हमारा जो प्लांट है वो रिपोर्टिंग शॉक में नहीं जाता। बस इस पानी को घोल के मैं डालती हूँ इसमें। फर्स्ट वाटरिंग हम अच्छे से करेंगे जब तक ड्रेनेज होल से पानी ना निकल जाए। हमारी रिपोर्टिंग हो गई है रेडी। फ्रेंड्स एक और चीज बहुत जरूरी होती है इस वाइन के लिए फ्लावरिंग के, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, कि आपको इसे प्रॉपर सनलाइट देनी है। तो मैंने इसे ऐसे प्लेस पे रखा है या जहां पर इसे सुबह से शाम की अच्छी धूप मिलेगी और इसके फ्लावरिंग को बूस्ट मिलेगा। अगर आप इस वाइन को शेड में रख देंगे तो इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, चाहे आप कितना ही इसमें फर्टिलाइजर या कॉम्पोस्ट डालें। तो बहुत अच्छा है कि आप इसे धूप में रखें ताकि फ्लावरिंग अच्छी हो। और बात करते हैं इसकी वाटरिंग की, तो मॉडरेट वाटरिंग चाहिए इसको। इसकी सॉइल को मॉइस्ट रखना है, सॉगी नहीं रखना है और ना ही ड्राई होने देना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सॉइल को ड्राई होने देते हैं तो इसकी पत्तियाँ झुक जाती हैं और जो इसकी पर कलियाँ बनी होती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप इसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखें लेकिन सॉगी ना रखें।
ये देखिए फ्रेंड्स, 15 दिन के बाद का ये अपडेट मैं आपको दे रही हूँ। इस वाइन को ट्रांसप्लांट किए हुए, रिपोर्ट किए हुए मुझे 15 दिन हो गए हैं और इसमें देखिए आप कलियाँ कितनी सारी बन गई हैं और बहुत जल्दी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपनी मधुमालती पर ढेर सारे फ्लावरिंग के लिए यही टिप्स आप यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलती हूँ, मिलती हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।